यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हाउ वी कैन डेवलप आवर रूरल एरियाज। फर्स्ट है व्हाट डू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। रूरल डेवलपमेंट एक लगातार और डिटेल्ड सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की लाइफ को हर एस्पेक्ट से इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, या यूं कहे ये एक एक्शन प्लान है जिसके थ्रू हम अपने ग्रामीण क्षेत्र का सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ तय करते हैं। अंडरस्टूड? हमें जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है हमें उसका कंप्लीट डेवलपमेंट करना है इन ऑल एस्पेक्ट्स। अंडरस्टूड? इन एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, इन एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, इन एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की क्या क्या प्रक्रिया है? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम अपने ग्रामीण क्षेत्र का विकास अपने ग्रामीण क्षेत्र के ह्यूमन रिसोर्स मीन्स वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके विकास के थ्रू ही कर पाएंगे। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास कब होगा? जब हम उन्हें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी देंगे और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गांव के का विकास कब होगा? जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी होगी, इरिगेशन सिंचाई फैसिलिटी अच्छी होगी, क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी होगी, मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी, एग्रीकल्चरल रिसर्च फैसिलिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। वहाँ का जो हमारा लैंड सिस्टम है उसमें रिफॉर्म होना बेहद ज़रूरी है। जो टीलर और ओनर ऑफ द सोयल है उनके बीच में जो झगड़ा होता है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे टीलर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लैंडलेस टीलर को ज़मीन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो एक इनक्वालिटी है वहाँ पर किसके बीच में, पुअर फार्मर और रिच फार्मर के बीच में, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को उनका प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एलिवेशन पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्रों से, तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रिसोर्सेज है उनको डेवलप करना, उनके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करना, सो दैट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर क्षेत्र में प्रत्येक बंदे को रोजगार मुहैया कराया जा सके। नेक्स्ट है इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कुछ मुख्य समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विस्तारीकरण। हमारी को जो फसल है उसका विस्तारीकरण होना चाहिए। हमारे किसान एक ही फसल के पीछे लगा हुआ है, उसे सिंगल क्रॉप सिस्टम से मल्टी क्रॉप सिस्टम में शिफ्ट होना चाहिए। उसे अपनी क्रॉपिंग को एडवांस बनाना चाहिए बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहता है और हमारी जो लैंड है वो एक सस्टेन करती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और सस्टेनेबल प्रक्रिया है जो लगातार चलती है लंबे समय तक। हमारे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के थ्रू एक चैलेंज है, मीन्स हमारा रूरल डेवलपमेंट में हमारे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट एक मुख्य चैलेंज है। वहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना मुख्य चैलेंज है। वहाँ अच्छी सैनिटाइजेशन और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना एक मुख्य समस्या है ग्रामीण क्षेत्र की। नेक्स्ट जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन करना भी एक मेन प्रॉब्लम है रूरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है वहाँ की मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना, डेवलप करना भी एक मुख्य समस्या है। नेक्स्ट है अब हम अपने जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो यही चार मुख्य समस्याएं पढ़ेंगे जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेजरली ये चार समस्याएं ऐसी है, अगर इनमें सुधार हो जाए तो हमारा गांव, हमारा रूरल एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ये मेजर टॉपिक है हमारे इस
चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट है लिंगरिंग चैलेंज। लिंगरिंग चैलेंज वे चैलेंज जो काफ़ी दिनों से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई है। पहला, गांव में क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी ना होना, गांव में लोन की फैसिलिटी, फाइनेंस की फैसिलिटी किसान के लिए अच्छी ना होना एक मुख्य समस्या है। वहाँ का मार्केटिंग सिस्टम बहुत बैकवर्ड है, स्लो है, ये भी एक बहुत मुख्य समस्या है। एमर्जिंग चैलेंज, सेकंड जो टाइप है चैलेंजेस का वो है एमर्जिंग, उभरती हुई समस्या है। उभरती हुई समस्याओं में पहली जो समस्या है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है अदर देन फार्मिंग। मीन्स हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा भी और मीन्स और ऐसे ऑप्शन पैदा करने चाहिए, वहाँ पे सेटअप करने चाहिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बंदों को रोजगार मिल सके और वे फार्मिंग से अलग भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रामीण क्षेत्र में। सो स्टूडेंट्स, अगली हम वीडियो में इन सभी मुख्य समस्याओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरी इस वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।